नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू सब्जेक्ट का जो फॉर्म आया है उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म आपको मिलेगा rozgarrizult.com पर, एक ट्रस्टेबल पुरानी और भरोसेमंद वेबसाइट rozgarrizult.com। आपको टॉप ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ जिसका नाम है sarkaririzult.com। दोस्तों, गूगल पे जब भी आप सरकारी रिजल्ट लिखिए, चेक कीजिए जो वेबसाइट खुली है उसमें डॉट कॉम लगा है कि नहीं, ये वाला लोगो है कि नहीं, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी नकली वेबसाइटें भी हैं जिसमें आपको गलत और अधूरी जानकारी मिल सकती है। सीधा हम क्लिक कर देंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ऑनलाइन फॉर्म पर। आपको बता दें इसके आवेदन 22 अक्टूबर से शुरू हुए, 11 नवंबर अंतिम तिथि है, फीस 800 रुपये है। कुल इसमें जो है आपकी 29 पोस्ट है, उम्र की सीमा 21 से 35 साल है और जो योग्यता है वो बैचलर डिग्री के साथ आपके पास CCC हो, ओ लेवल हो या कंप्यूटर का कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उर्दू के में आपके पास जो अरेबिक है, पर्शियन है या उर्दू में आपको चाहिए। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको उसका सिलेबस भी मिल जाएगा, देख सकते हैं सिलेबस है, और नोटिफिकेशन में आपको अन्य जानकारी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम सीधा चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर और आपको दिखाते हैं फॉर्म भरते वक्त क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, जो इधर वाला आप सेक्शन देख रहे हैं ये आपका जो है लॉगिन सेक्शन है। जिन लोग पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो लोग भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर जिनका पासवर्ड वगैरह मैच नहीं करा है, जो अपना फॉर्म नंबर भूल गए, वो भी यहाँ से अपना जो है प्राप्त कर सकते हैं। हम दोस्तों बात कर रहे हैं नए रजिस्ट्रेशन की, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आ जाएगी, उस जानकारी को हम पढ़ते हैं और नीचे चलते हैं। नीचे चलने में यहाँ पे टिक करते हैं, टिक करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड का बटन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम डाल देना है, नेक्स्ट अपने पिता का नाम डाल देना है, पिता का नाम डाल देना है, नेक्स्ट अपनी माता का नाम डाल देना है, नेक्स्ट में आपको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। आगे बढ़ेंगे, आपको अपना जेंडर डाल देना है, एक आईडी प्रूफ आपको डाल देना। बता दें आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है या अदर कुछ और। में आप चाहे तो अपना आधार कार्ड नंबर भी जो है दे सकते हैं, तो अदर में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना वोटर कार्ड नंबर दे देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, आपको यहाँ पर थाना लिख देना है अपना, आपका थाना कौन सा आता है नियरेस्ट, कंट्री सेलेक्ट कर देनी है आपको। नेक्स्ट आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है कि किस जो है स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और किस जो है आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे अपना स्टेट डाल दिया, नेक्स्ट मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल दी, नेक्स्ट अपना जो है पिन कोड डाल दिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे टिक करेंगे नीचे आपको एक पासवर्ड बनाना है। बता दें पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, और पासवर्ड आप बिल्कुल सिंपल से बना सकते हैं। आपको अपने नाम का पहला लेटर लेना है, उसके बाद आप चाहे जो लोग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको बता दें एक अल्फ़ाबेट, और मैं आपको एक बना के ही दिखा देता हूँ। जैसे मेरा नाम है सुरेश, तो मैंने जो पासवर्ड बनाया है ये देख सकते हैं, एस कैपिटल से लिखा है, SURESH @123 लगाया। आप @ की जगह चाहे तो डॉलर लगा सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं, #ed लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को मैं डाल देता हूँ और यहाँ सबमिट करके आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका खुल के आ जाएगा। ये अभी प्रीव्यू है, आपको इसको अच्छी तरीके से चेक करना है क्योंकि इसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चेक करने के बाद आपको इस पेज के बिल्कुल नीचे चलना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दोबारा क्लेरिफिकेशन पूछ रहे हैं, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस। इसका मतलब ये है कि आप इस फॉर्म को पूरा इतनी चीज़ें दोबारा चेक कर लीजिए, और फिर यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको लगता है कुछ भी गलती है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपनी जो भी गलती आपने की उसको आप सुधार सकते हैं। बहरहाल मेरा सब कुछ सही है, मैं फाइनल सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे 3 स्टेप बचे हुए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फीस। तो उसको आगे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूं इसका जो एग्ज़ाम करा रहा है वो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने नेशनलिटी सेलेक्ट कर ली है। पूछ रहा है आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र है कि नहीं, तो उसको भी मैंने यस कर दिया है। आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, यहाँ पे वुमेंस कैटेगरी जो कैंडिडेट उनका वेटेज, अगर आप वुमेंस कैटेगरी में है तो आप उसमें यहाँ पे यस करना है। जो महिला अभ्यर्थी है नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। हैंडीकैप का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स सर्विस मैन का है, एक्स सर्विस मैन का है, फ्रीडम फाइटर का। अगर आपके पास इसमें से कोई भी वेटेज है तो आप उस वेटेज का लाभ जरूर उठाएं, यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है कि अनमैरिड है।
उसके बाद यहाँ पूछा है कि आप जो है किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आरओ हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आरओ उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि दोनों के लिए कर रहे हैं। तो मैं केवल आरओ हिंदी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आपको उर्दू के लिए भी अप्लाई करना हो तो वही प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम है। यहाँ भी पूछा है कंप्यूटर में 25 वर्ड पर मिनट की आपके पास टाइपिंग आती है कि नहीं आती, तो बिल्कुल आती है। यहाँ भी पूछा है कि आपको डाटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेशन की आपको नॉलेज है कि नहीं है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे है। तो अगला ऑप्शन है आपका टाइटल आर्मी में 2 साल का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट तो नहीं है। यहाँ भी पूछा है बैचलर डिग्री विथ हिंदी और मोथ, अगर आपको ऐसा है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपके कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, जैसे मेरे पास ट्रिपल सी है तो मैंने सिंपल ट्रिपल सी कर दिया, अगर आपके पास कुछ और है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कोप पेपर का आपका मीडियम पूछ रहा है हिंदी है कि क्या लेना है आपको, आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का पूछ रहा है कि प्रेस्क्राइब है कि आप जो जो एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से है कि नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास डिग्री लॉ की डिग्री है, तो अगर आपके लॉ की डिग्री है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, यानी एलएलबी की डिग्री है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, सबसे पहले हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th की आपको क्वालिफिकेशन डालनी है। 10th डालने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर खुल जाएगा, यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम आ जाएगा, बोर्ड का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिख देना है। मैं बोर्ड का नाम डाल देता हूँ, यूपी बोर्ड में देख रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक मुझे दिखा नहीं है, हालांकि यूपी बोर्ड जो है बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से शायद दिया हो, मैं देख रहा हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है, सब बोर्ड दिख गए हैं। मान लीजिए आपको बोर्ड का नाम नहीं दिखता तो यहाँ पे आप एनी अदर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यूपी बोर्ड जरूर दिया होगा। जी हाँ, यू लिख के स्पेस ला लेंगे तो आपको यूपी बोर्ड का जो है लिंक है वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे रिजल्ट का आपको स्टेटस डाल देना है, जैसे आप डालेंगे यहाँ पे आपको परसेंटेज अपना मार्क्स डाल देना है कि आपका 600 नंबर का रहता है जैसे यूपी बोर्ड में, तो उसमें आपको कितना नंबर मिला है, जैसे आप डालेंगे यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट आपको अपने स्कूल का नाम डाल देना है, जैसे मेरे स्कूल का नाम था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आगरा सदर बाजार, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसी सेम वही प्रोसेस आपको मैं करता हूँ इंटर में भी डाल देता हूँ, इंटर में मैंने जो पास कर दिया है, इंटर मैंने कब पास किया 2016 में किया है, क्लास 12th कर दिया है। सेम वही यूपी बोर्ड लिखूंगा लेकिन इस बार मुझे फटाक से मिल जाएगा, यू डाला और इस पर देखिए पी लिखा तो तुरंत ही यूपी बोर्ड आ गया। अगर आपको मान लीजिए कोई बोर्ड आपने ऐसे किया है कि आपका नहीं मिल रहा है तो आप परेशान मत होइएगा, एनी अदर का भी ऑप्शन है, एनी अदर के ऑप्शन पर जाके आप जो है उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया, नेक्स्ट स्कूल का नाम डाल दिया, यहाँ पर आप ग्रेजुएशन आ जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन कब पास किया है, तो ग्रेजुएशन मेरा पास आउट 2019 है तो मैंने 2019 कर दिया। यहाँ पे पूछा ग्रेजुएशन आपने क्या किया है, बीए बीकॉम बीएससी बीएड जो भी अगर आपने किया है यहाँ पे सारी जानकारी है। अगर आपका कोर्स यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है, आप अदर करके जो है डाल सकते हैं। तो मैंने सिंपली बीए किया है, मैं बीए डाल देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा कि इस यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैं आगरा यूनिवर्सिटी देख लेता हूँ कि है कि नहीं है, तो मुझे देखता हूँ, मुझे नहीं दिख रही है तो मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिला, तो हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे अदर का ऑप्शन होगा, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन आपको अदर का मिलेगा, आपको वो कर देना है और यहाँ पे रिजल्ट का जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम है वो नाम डाल देना है। ये देख सकते हैं मैंने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया है। यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस पूछ रहा है कि आपका परसेंटेज मोड पे था कि सीजीपीए मोड पे था, तो मैंने यहाँ परसेंटेज मोड डाल दिया है, यहाँ पे कितना नंबर मुझे मिला है वो डाल दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का नाम था वो मैंने जो है दोबारा डाल दिया है। आगे बढ़ेंगे, पीजी का क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास पीजी है तो आपको यहाँ पास दिखाना है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नॉट एप्लीकेबल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह एनी अदर क्वालिफिकेशन का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लाई है, क्या आप कोर्ट कन्विक्ट है, क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो दर्ज नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो सिंपली आपको नो करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो हम आगे बढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने इंड वाले ऑप्शन पे, यानी कि हम इसको सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं पूरा फॉर्म का प्रीव्यू एक बार दोबारा खुल के आ चुका है, आपको अच्छे तरीके से सब कुछ चेक कर लेना है, कहीं कोई गलती वगैरह तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको चेक करते करते बिल्कुल नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ जैसे आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो है कुछ मार्क टिक किया था उसी तरह आपको टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ आई एग्री पे टिक करना है, अगर कोई गलती है तो एडिट करना है, अगर आपका सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ना है। मेरा सब कुछ सही है, मैं फाइनल सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और 2 स्टेप बचे हैं, तो हम 2 स्टेप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का बटन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे बता दें इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन करके चाहिए, एक आपको फोटो चाहिए जिसका साइज 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर आपको चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन चाहिए, अगर आप कहीं काम करते हो उसका एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट जो आपको लगाना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में तो आपको उसके लिए मैं बता देता हूँ, आपको rogyaresult.com खोलना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसाइज फोटो सिग्नेचर का भी ऑप्शन है जिसकी मदद से आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, और पीडीएफ का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको बहुत जल्द उपलब्ध होने वाला है।
तो चलिए दोस्तों फटाफट इसको अपलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं फॉर्म आगे कैसे बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है जब भी आप फोटो लगाएंगे तो फोटो लगाने वाले इस तरीके का प्रीव्यू आ जाएगा जिसमें लोग को बहुत दिक्कत होती है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड ओरिजिनल करके, इस अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है अपलोड हो गया। सेम वही करेंगे, जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपका दिखने लग जाएगा। सेम उसी प्रोसेस से हम अंगूठा लगाते हैं दोस्तों, वही सेम प्रोसेस सिग्नेचर भी लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से क्रॉप कराएंगे तो आपको करने में दिक्कत होगी, तो हम यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल कर देंगे और यहाँ पे जो है अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड करेंगे आपको जो देखेंगे तो अपलोड होता जाएगा। इसी तरह हम 10th का जो अपना सर्टिफिकेट है उसको भी जो है अपलोड करते हैं। देख सकते हो दोस्तों हमारा जो आपकी सर्टिफिकेट है ये भी अपलोड हो चुका है, लास्ट में हम आ चुके हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे जो कैप्चा है उस कैप्चा को डालते हैं और सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे अब 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, बचा है 4th स्टेप यानी कि पेमेंट का। पेमेंट करने के तुरंत बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने से पहले भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है कुछ भी डिटेल्स को जो है करेक्शन कर सकते हैं। पेमेंट के बाद कोई करेक्शन जो है करेक्शन के पीरियड में ही आप कर सकते हैं। तो पेमेंट करने से पहले आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए हमारा सब कुछ सही, हम आपको दिखाते हैं इसका पेमेंट आप किस माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम पेमेंट वाले ऑप्शन पर आगे बढ़े आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक छोटा सा टिक करना है, टिक करने वाला प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बता इसका पेमेंट आप स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, किसी अदर बैंक की नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं जिसमें आपका 5.90 रुपये आपका चार्ज लगेगा। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। पेमेंट करने के तुरंत बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।